सतनाम वाहे गुरु जी। आज की कहानी ईश्वर बहुत ही दयालु है इस बात पर आधारित है। हम ईश्वर को समझ नहीं पाते हैं, उनकी कृपा को समझ नहीं पाते हैं और उन पर उंगली उठाते हैं कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है। तो आइए शुरू करती हूँ कहानी। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगते थे। उस बगीचे की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था और वो किसान हर बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा कि नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि फल पककर तैयार हो रहे हैं। फिर वो किसान सोचने लगा कि आज कौन सा फल राजा को अर्पित करूं, और उसे लगा कि आज राजा को अंगूर ही अर्पित करना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल पककर तैयार है। फिर उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और थोड़ा सा नाराज भी लग रहा था। किसान ने रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना साधकर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था और किसान फिर वही दोहराता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद जब राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और वह किसान उत्तर क्या आ रहा है, तो वह संभल कर बैठ गया और फिर किसान से कहा, मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम बार बार यही क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान बड़ी ही विनम्रता से बोला, राजा जी, आज बागान में नारियल, अनार, अमरुद और अंगूर आदि फल तैयार थे, पर मुझे भान हुआ कि क्यों न मैं आज आपके लिए अंगूर ही ले चलूँ। अब लाने को तो मैं नारियल, अनार और अमरुद भी ला सकता था, पर मैं अंगूर ही लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, अनार या अमरुद होते तो आज मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं यह बार बार कह रहा हूँ कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। इसी प्रकार ईश्वर ने हमारी कई मुसीबतों को बहुत ही हल्का करके हमें बाहर निकाला है, पर हम ये ना शुक्रे हैं कि कभी शुक्र नहीं करते हैं, उल्टा ईश्वर को ही गुनाहगार ठहरा देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, इसमें मेरा क्या कसूर था। उम्मीद करती हूँ आपको भी यह कहानी पसंद आई होगी। सतनाम वाहे गुरु जी।